हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है घरेलू कुकिंग। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है पुराने दिल्ली जामा मस्जिद की स्पेशल शरबत, जिसका नाम है दिल मोहब्बत शरबत। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसे बनाना। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं शुरू किया है तो जल्दी से जाएं और हमें इंस्टा पे फॉलो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। हमसे रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होती हैं वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आती हैं, तो प्लीज जल्दी करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा तरबूज लिया है जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इस तरबूज को इस मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमने तरबूज को जार में ट्रांसफर कर दिया। इसे दो मिनट के लिए साइड पर रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। यहां पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर डाली है और 1 कप पानी ऐड किया है। अब हम इसे बहुत ही मीडियम फ्लेम पे गैस पे रख देंगे और 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि ये शक्कर पानी में अच्छे से घुल नहीं जाती। याद रखिएगा, बहुत नहीं पकाना है, बस जब तक शक्कर पानी में घुल नहीं जाती हमें इसे तब तक ही गैस पे रखना है। और उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए चाशनी मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दी है। मैंने 2 टेबलस्पून शक्कर ऐड करी है, आप मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसका एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे पेस्ट बनने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, ये दरदरा सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, मैंने यहाँ पर 1 लीटर ठंडा दूध लिया है। अब हम इस मिक्सचर को दूध में ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए, हमने मिक्सचर को दूध में डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें पिंकिश कलर भी आ चुका है, तो बिल्कुल झटपट तरीके से बनकर तैयार। ये देखिए, हमने मिक्सचर को दूध में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसका पिंकिश कलर भी आ गया है, तो बिल्कुल झटपट तरीके से बनकर तैयार हो गया है पुरानी दिल्ली स्पेशल दिल मोहब्बत शरबत। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, शरबत का असली मजा है उसे ठंडा करके पीने में। तो चलिए इसे भी रख देते हैं 1.5 से 1 घंटे के लिए फ्रिज में, उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए, शरबत हो गया है बिल्कुल ठंडा और इससे मैंने कर लिया है सर। ऊपर से मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं क्योंकि ठंडा शरबत का तो मजा ही अपना अलग है। अब हम इसके ऊपर से, ये मैंने तरबूज के छोटे छोटे पीसेस काट के रखे हैं, मैं इनको शरबत के ऊपर ऐड कर दूंगी। दिखने में ही ये काफी मजेदार लग रहा है। और ये देखिए, हमारा दिल मोहब्बत शरबत हो गया है बिल्कुल बन के तैयार। ये बहुत मजेदार है और बहुत झटपट तरीके से बन जाता है। आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, जैसा कि आप सबको पता है सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।